अभी मनु मौज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई रेवाड़ी में बैठा हूँ और एक मामला उभर के आया है जिसमें एक परिवार के ऊपर हमला हुआ है। मामला है प्यार का, प्रेम का, लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हो। दो बच्चों के बीच में एक साथ पढ़ा करते प्यार प्रेम हुआ, वो पक्की स्टोरी अगर परिवार बताओ तो मेरे हिसाब से सही रहोगा। नमस्ते जी, आप बेटे की माँ हो तो आपको कब पता चला कि भाई आपका बेटा इसी तरह से किसी लड़की के साथ कुछ बात कर रहा है? मैंने कुछ नहीं पता। तो कब पता? पहले नहीं पता चला, जब ये झगड़ा हुआ ना उस दिन पता चला। जैसे दिन में वो आई थी लड़की, तो उसके माँ बाप आए थे, पहले से वो लड़की नहीं थी जब, तो उसको पापा बुझने आए थे, तुम्हें कोई पता हो बच्चों के बारे में तो बताओ। हमने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं पता अपने के बारे में, आपको पता हो तो बता। जब कह रहे थे हम बुला देंगे अपनी बच्ची को और बात करवा देंगे, शादी कर लेंगे, फिर ये बोले कि जैसे हमारी होगी बातचीत, बच्चे से संपर्क होगा तो मैं बता दूंगा और बुला लूँगा। वो घर आए, हमने बता दिया, आपके उनके ही फ़ोन पर थे बात करवाई लड़की वाले के ही, हमारे कोई फ़ोन नंबर नहीं था। फिर कैसे पता नहीं किस पे करवाई उनने बात, किस कौन सी उससे करवाई, करवा के। और फिर मैं तो ऐसे ही पड़ी रही, मेरे को तो ये भी नहीं पता शादी कर लेगा मेरा बच्चा, ये कर लेगा, बस मेरे को ये था कि क्या तो एक्सीडेंट हो गया, फोन नहीं लग रहा था उसका। आपका कहने का मतलब ये हो कि बेटा घर से गायब था, आप ननुए नहीं बेरा था, मामला चल के रहा है, एक % भी नहीं बेरा था। मेरे तो बस नू हो रही थी मेरा बेटा, या तो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी कुछ किसके साथ झगड़ा भी नहीं है पूरे गांव में या कहीं। क्या काम करता है आपका बेटा? पॉलिटेक्निकल करता है। और वो गुड़िया भी वहीं? हाँ, उसके तो पूरे गांव में बोझ लोग, किसी से भी झगड़ा नहीं, वो तो ऐसे खुआ देता है, किसी का खाता नहीं। हाँ भाई मनीष, हाँ सेठ भाई, ऐसे करते बच्चे सब, बहुत प्यार कर रहे होते। लेकिन मैंने नू रही कि के तो एक्सीडेंट हो गया बच्चा, कि किसी से झगड़ा हो गया होगा भाई, बस। मैं कितने तो बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है मेरे को तो। अच्छा, एकदम से आपके घर में कोई बंदा आवे है, आके आपसे पूछा है भाई आपने बेरा हो, आपका बेटा कहाँ है, वो उन्होंने बताया भाई मेरी बेटी को लेके गया है? नहीं, कुछ नहीं कही। ऐसा भी नहीं कहा? नहीं, दिन में आए थे वो, फिर जब मैं बेहोश हो रही थी, फिर हमारे ये डॉक्टर के ले गए मेरे को, फिर उसके बाद तो मेरी यही दिन में यही बात हुई थी बस, उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ बस। अच्छा। फिर इन्होंने पता ही ये थी सही। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कौन हो भाई के? मैं मनीष की आंटी हूँ जी। जी, तो बताइए कैसे क्या हुआ जी। 17 तारीख को मनीष जो मतलब 9:30 बजे निकल चुका था घर से, बोला कि मम्मी मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था जी, इनका ये चल रहा है, मतलब नॉर्मल था घर में, कोई ऐसी बात कोई बात। जी नमस्ते भाई, मैं मनीष का पापा हूँ जी। अच्छा, मतलब उस दिन जिस दिन वो घर से गए सुबह रहे, तो कोई ऐसा मन में नहीं था? वो ऐसे था जी, डेली दो दिनचर्या में चल रहा था ना, सिंपल माहौल, कोई एक्स्ट्रा रिएक्ट नहीं था, कोई रिएक्ट ही नहीं, कोई महसूस ही नहीं था इस चीज़ का। चाय बना के देख के गए, मगर मैंने उसको कहा था, मैं गेहूँ भरेंगे टंकी गेहूँ की, तो ये उसकी मम्मी बोली एक छोरे कॉलेज में जा रहे हो, शाम ने भर दे वो, चल मैं दोपहर में अपना कट्टा भर दूँ उसूँ, शाम ना के भर देंगा। तो शाम ने जैसे वो नहीं आया, उसे इसने 12 बजे के आसपास कॉल शुरू कर दी करनी, उसका स्विच ऑफ आ रहा था उसका शाम तक, फिर हमें पता ही नहीं लगा। एक सामाजिक तौर पर बात पूछो आपसे। हाँ जी, जैसे मान लो आपको मालूम हो जाता पहले कि भाई ये कुछ बात चल रही है बच्चों में, चलो बच्चे ये नादान है, तो सही में आपका रिएक्शन क्या रहता भाई? समझाता मैं लड़के को, समझाता लड़की को, समझाता उसके घर पे जाता, अब तेरी बच्ची का ये वो है, समझा ले बच्ची को, मैं अपने बच्चे को समझाऊंगा। झगड़ा या लेके भागना इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ? मैं इनके बिल्कुल खिलाफ था, मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं था बिल्कुल भी। फिर जब उनके पापा आपके यहाँ आए, तो उन्होंने आपसे पहले दिन आए तो सही बात करी अच्छे से? वो जैसे लड़का नहीं आया था, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था बच्चों से, तो वो कह रहा है उसको कांटेक्ट हो गया था लड़के के बाप का, तो वो कह रहा है कि इसी नंबर पे मेरा कांटेक्ट हुआ है, बच्चे घर पे आ रहे हैं, इन नंबरों पे बात कर ले। तो मैंने बात की, तो एक्चुअली में उसे जो कुछ कहा उसे वही बात मिली, अगर बच्चे घर पे आ रहे हैं, तो उसने कहा कि बच्चे घर पे आए तो मेरे को मैसेज दे दियो। मैंने कहा ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगा, अपने बच्चे को समझा लेना, अगर घर जाना चाहे तो जा सकती है, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, राजी खुशी जाए जाने दे। वो दोनों धनी भी आए, उसकी मम्मी पापा दोनों आए, उन्होंने बातचीत किया काफ़ी, 1-2 घंटा रुके आराम से वो। तो उसने पूछा बेटा घर चल, तो उसने मना कर दिया साफ, इनका नोवल मैं घर नहीं जाऊँगी। मैंने भी कहा बेटे सोच ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम कल गए थे आज आ गए, रात रात में कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर जाना चाहते हो जा सकती हो। बिल्कुल सही सोचते आपके। तो उसने सब मना कर दिया, पापा जी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे को जाते ही मारेंगे, उसको लग रहा था। हाँ ऐसा लगा था, उन्होंने मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मैं मारेंगे, मैं यहीं पे रहूंगी। बता
मेरे लड़के ने भी कहा, नुको जी आपकी लड़की से पूछ लो, जाना चाहती जा सकती है, मेरी कोई दबाव नहीं है। लड़की फिर भी नु बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को जाते मारेंगे। ये कहा ना कि मेरे को मारेंगे, तब हमने कहा कि उसके पापा से आप जी लिख के दे दो कि मैं अपनी बेटी को नहीं मारूंगा और मैं प्यार से अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। जी उसने लिखने के साइन करने के लिए मना कर दिया, तो हमने फिर कहा हम इस तरीके से बेटी को नहीं भेजेंगे। अगर हमारे बेटे का फिर क्या जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है आप बताइए। फिर अगर आप ले जाओगे, साइन कर जाओ, कोर्ट से लिख के लिखवा के ले आओ और आप अपनी बेटी को ले जाओ, या आप बैठा के समझाओ। जी उसने मना कर दिया, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें बंद करवा दूंगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पकड़वा देंगे। हाँ, बंद करवा दूंगा एक हफ्ते के अंदर। फिर मैंने भी कहा मकबर जो तेरे से हो जो कर लियो, और क्या करे गुस्से गुस्से में। जब उसने जो उसने लाइन में बोली मैं एक हफ्ते में तुम्हें बंद करवा दूंगा, मैं करवा देना अभी बंद करवा एकदम। हाँ धमकी दी, इलाज बनवा दूंगा, तू तो पता भी नहीं चलेगा। धमकी दी उसको लड़के को। उसके बाद तो मेरी ऐसी होगी, मैंने खोड़ की वो सुनी थी ना, मेरे तो वही लगी बहुत जोर। बिल्कुल जो खोड़ में जिस तरीके से घटा ना, कह दिया था मैं राजी खुशी मैं तेरे को मैसेज दे दिया, तेरे बच्चे आ गई है, जाना चाहे जा सकती है आराम से। उसने मना कर दिया, वो राजी खुशी चले गए। वो फिर रात को आए लड़के को उठाने गए इरादे से, भाई लड़की मर्जी से जा नहीं रही तो लड़की को जबरदस्ती लेके आए हम। वो मेरा माहौल देख गए थे, घर बार सब मेरा देख गए थे। रात ने बना के कमरे इतने, रात को आए वो नौ बजे के करीब, 15-20 आदमी आए वो। दो आदमी मेरी, ये गेट मेरा बंद था, वो गेट बंद था, मेन गेट चार दीवारी कूदे, दो अंदर आ गए। ये मेरा गेट अंदर से बंद था शीशे वाला, ये तोड़ा, उसके पत्थर मारा, जैसे पत्थर मारा शीशा टूट गया। उसने चटनी खोल ली हाथ देख के, जैसे मेरा लड़का लिकड़ा बाहर, क्या हुआ एकदम खुड़का होगा, जैसे मेरा लड़का ले, मेरे लड़के को बाहर गैस ले गई बाहर, और लड़के की छाती पे बैठ के एक ने तो घेटी मोसली, एक ने पैर पकड़ लिया पीछे से भी जाके। उस लड़की ने मनीष के बचाव के चक्कर में उसके सर में डंडा मारा, लड़की ने उसके सर में डंडा मारा। फिर इतनी देर में इधर फंक्शन था गीतों का, किसी का लड़का हो रहा है तो गीत गा रहे थे, जैसे हमने हाय हल्ला करा, रोड़ा मचाया, मार दी तो बाहर से पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक इकट्ठी होने से उसने सोचा कि गांव पलट गया, एक वो फिर मौके से रफा दफा हो गए, भाग गए, फिर भाग गए वो। ये रात की 9:30-9 बजे की, हाँ 9:30-9 के बीच की बात है। उसके बाद बच्चे कहाँ हैं? उसके बाद फिर मैं इसको दवाई दिलाने चला गया, इसकी हालत ख़राब होगी देख के घबरा गई। फिर मैं आया तो मेरे बच्चे यहाँ नहीं मिले। नहीं, आपको मालूम ही नहीं लड़का लड़की कहाँ है? पता नहीं कहाँ, अब तक मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा उनसे कल तक। हाँ कल से ही निकले, जब से वो झगड़ा होने के बाद ही। अब आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे घर पे आ जाए, कहाँ भी है, मेरा एक ही लड़का है। और जो देखिए जो दूसरा पक्ष है, जो लड़की पक्ष है, देखिए झगड़ा कई बार अच्छी भली शादी में भी हो जाता है, घर में भी पति पत्नी का भी हो जाता है, भाई बहन का भी हो जाता है, बाप बेटे का भी हो जाता है। अब तक कोई ऐसी हानि या कोई दिक्कत हुई नहीं है, लेकिन कोई इसी बात होने से पहले क्या उनसे क्या कहना चाहोगे, उस परिवार से, लड़की के पापा से क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर लड़की अब भी कहती है अपनी मर्जी से मैं जाना चाहती हूँ घर पे, तो जा सकती है अब भी, हमें कोई एतराज नहीं है। लिख के देंगे थाना से पूरी कागज़ कार्रवाई करके, कल ने लड़की वो ऐसे ले जाए मेरे को ऐसे दे दें बिना लिखत पड़े, तो फिर हम पे भारी पड़ जाएगा। नहीं अगर, और मान लीजिए भाई दोनों परिवार सहमत हो गए और रिश्तेदारी बनाए, तो उस पक्ष में मैं एग्री हूँ उसके अंदर। अगर वो सहमत होता है रिश्तेदारी बनाने के चक्कर में, मैं एग्री हूँ उस चीज़ में भी। अच्छा वैसे उसने ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चे राजी खुशी हमारे घर आ जाएं। जी हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो कहीं भी है हमारे बच्चे आ जाएं, हमें इंसाफ दो इस चीज़ का। बिल्कुल, देखिए परिवार दुखी है, बच्चों ने गलती करी है, माँ बाप की तो कोई गलती नहीं।